विधानसभा और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पुरी के जगन्नाथ मंदिर के सभी गेट खोलने का वादा किया था और अब अपने वादे को पूरा करते हुए भाजपा की नव निर्वाचित राज्य सरकार के सीएम मोहन चरण मांझी ने चारों गेटों को खुलवा दिया है। देखिए कल कैबिनेट मीटिंग के प्रस्ताव में जैसे महाप्रभु जगन्नाथ की जो चार द्वार है वो बंद था, इसलिए चार द्वार को खुलने के लिए वो प्रस्ताव हमने रखे थे, प्रस्ताव भी पारित हुआ और प्रस्ताव के मुताबिक आज सुबह 6:30 बजे मंगल आरती जो शुरू होता है पूजा का, वो सब सारी मेरे साथ मेरे मंत्रिमंडल के सारी सदस्य दो उपमुख्यमंत्री दोनों हम आते हुए उसको प्रशासन के सबका उपस्थिति में, साधारण की उपस्थिति में, हमारा विधायक लोग और हमारा पुरी का सांसद सबका उपस्थिति में वो चार द्वार खुला गया और सदर के लिए उत्सर्ग किया गया। मंदिर में जाने वाले भक्त अब चारों गेट से मंदिर में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर जगन्नाथ मंदिर के इन दरवाजों को बंद क्यों रखा गया था। हिंदुओं के चार धामों में से एक जगन्नाथपुरी मंदिर हमेशा से ही रहस्यों से भरा हुआ रहा है। मंदिर के सभी दरवाजों को तब की सीएम नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजेडी सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बंद किया था, कारण भीड़ को कंट्रोल कर सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करना। कई बार इन दरवाजों को खोलने की मांग लोगों ने ये कहकर उठाई कि एक ही गेट से एंट्री होने की वजह से दर्शन के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है। जनता की इच्छा को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने चुनाव से पहले इन दरवाजों को खुलवाने का वादा किया और जीत के बाद पूरी पूजा अर्चना के साथ इन्हें दोबारा खुलवाया गया। जगन्नाथ मंदिर में एंट्री के चार दरवाजे हैं जो मंदिर की चार दिशाओं में स्थित हैं। इन चारों दरवाजों के नाम चार जानवरों के नामों पर रखे गए हैं। इन्हें सिंह द्वार, अश्व द्वार, व्याघ्र द्वार और हस्ती द्वार कहा जाता है और प्रत्येक द्वार का अपना महत्व है। इन सभी को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य का प्रतीक माना गया है। सबसे पहले बात करते हैं सिंह द्वार की, जो मंदिर की पूर्व दिशा में स्थित है, जो सिंह यानी शेर के नाम पर है। ये जगन्नाथ मंदिर में एंट्री करने का मुख्य द्वार है और इसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है। दूसरा है व्याघ्र द्वार, जिसका नाम बाघ पर रखा गया है। इसे आकांक्षा का प्रतीक माना गया है। ये गेट पश्चिम दिशा में है और इस गेट से संत और खास भक्त एंट्री लेते हैं। ये द्वार हर पल धर्म के पालन की शिक्षा देता है, साथ ही बाघ को इच्छा का प्रतीक भी माना जाता है। तीसरा है हस्ती द्वार। जैसा कि नाम दर्शाता है, हस्ती द्वार का नाम हाथी पर रखा गया है और ये उत्तर दिशा में है। दरअसल हाथी को देवी लक्ष्मी से जोड़ा गया है। कहा जाता है इस द्वार पर दोनों तरफ हाथी की आकृति बनी हुई है, जिन्हें मुगल काल में क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। ये द्वार ऋषियों के प्रवेश के लिए है। चौथा है अश्व द्वार, जो दक्षिण दिशा में है और घोड़ा इसका प्रतीक है। इसे विजय का द्वार भी कहा जाता है और जीत की कामना के लिए योद्धा इस गेट का इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ घोड़ों की पीठ पर भगवान जगन्नाथ और बाल भद्र युद्ध की महिमा में सवार है। इसके अलावा पुरी के जगन्नाथ धाम मंदिर में कुल 22 सीढ़ियां हैं। ये सभी सीढ़ियां मानव जीवन की 22 कमजोरियों का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक ये सभी सीढ़ियां बहुत ही रहस्यमयी हैं। वहीं मंदिर के खजाने को लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है। हाल ही में अपनी चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बीजेडी शासन में पुरी में जगन्नाथ मंदिर सुरक्षित नहीं है। पिछले 6 साल से रत्न भंडार की चाबियां गायब हैं। दरअसल जगन्नाथ मंदिर में आभूषणों को रत्न भंडार के अंदर के चैम्बर में रखा जाता है, जिसे 2 तालों से सील कर दिया जाता है। ये ताले केवल राज्य सरकार की खास अनुमति पर ही खुलते हैं और चाबियां मंदिर प्रशासन को सरकारी खजाने में जमा करनी पड़ती है। त्योहारों के समय भी जो आभूषण इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें भी तालों से सुरक्षित किया जाता है और फिलहाल ये चाबियां गायब है और इसलिए इस पर विवाद छिड़ा हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भारत संवाद को सब्सक्राइब करें।